नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव तुषांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से। हम बात कर रहे हैं पूर्व के प्रश्न पत्रों की। तो सबसे पहले बात कर लीजिए कि यहां पर हम कर रहे हैं तैयारी किसकी, छत्तीसगढ़ बोर्ड के भौतिकी विषय की। इसके अलावा सारे विषयों के, सारे सब्जेक्ट के टीचर्स जो हैं आप लोगों के लिए 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड के लिए अभिप्सा के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और अच्छी तैयारी करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको विशेष लाभ हो तो आप हमारा एप्लीकेशन भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एडिशनल कंटेंट जैसे कि माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। तो हमारी चर्चा का विषय क्या था, हम PYQ कर रहे थे, यानी कि पूर्व प्रश्न पत्रों के जो प्रश्न हैं उनको जो है देख करके अपनी तैयारी को पक्का करने के प्रयास में लगे हुए थे। और इसी सिलसिले में जो है अब हम एक विशेष पड़ाव पर आकर पहुंच गए हैं, जहां पर हम 4 अंक वाले प्रश्न पूछने वाले हैं। 4 अंक वाले प्रश्नों में खासियत क्या है, इसमें से हर बार 2 अंक आपको मॉरल बेस्ड यानी कि आपके जो है सदाचार, आपकी अच्छी भावनाओं के कारण मिलते हैं, मतलब बोर्ड की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जा रहा है। आपको इस गिफ्ट को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पकड़ कर रखना है और उसके लिए अपनी बुद्धि खुली रखनी है। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण दिखाऊंगा और उन उदाहरण से आप जो सीखेंगे वो ही अप्लाई करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्रश्न क्या बोलता है। अजय अपने दोस्तों के साथ टहलने गया था, वहां एक ट्रक गुजरी और उसमें लिखा था सावधान विस्फोटक सामग्री, जैसे कि पेट्रोल। पेट्रोल विस्फोटक सामग्री है भाई। ट्रक में एक जंजीर बंधी थी जो जमीन पर स्पर्श कर रही थी। अरुण ने अपने दोस्तों को समझाया कि ट्रक की गति के दौरान उसकी धुरी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटती है और फलस्वरूप उसके विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, मतलब उसमें विद्युत धारा बहने लगती है। प्रेरित आवेश का जंजीर के द्वारा क्षरण होता रहता है, मतलब जो भी विद्युत धारा या आवेश उत्पन्न हो रहा है वह जमीन में अर्थिंग यानी कि जमीन को छुआ करके खत्म कर दिया जाता है, जिससे विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। अब उत्तर देना है। कब का प्रश्न है भैया, 2020 का प्रश्न है। बिल्कुल हलवा है हलवा, आप उत्तर दो। अजय ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अजय ने जो है भाई, अजय यहाँ पर अजय की बात चल रही है। अब वो मूल्य क्या है, उसमें कौन कौन सी खासियतें हैं, कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं। पहला कि अजय जो है वो बहुत ही ऑब्जर्वेंट था। ऑब्जर्वेंट का मतलब है कि अजय जो है अपनी आसपास की चीज़ों पर बहुत बारीकी से ध्यान रखता था, इसीलिए उसने देखा कि वहाँ पर जंजीर बंधी हुई थी। दूसरा, अजय अपने पढ़े हुए ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन से रिलेट करके जोड़ करके देखना चाहता है। दोनों जो है आप लोगों ने सूत्र देखे, मतलब दोनों उसकी क्वालिटीज देखी, 2 नंबर तो मिल ही गया। अब अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होता है। तो जब भी किसी कुंडली से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें जो है विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रेरित धारा की दिशा बताने वाले नियम का नाम क्या क्या है। तो लेंज का नियम जो है विद्युत धारा की दिशा को बताता है। और जो है वो कथन क्या है कि किसी भी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उसमें होने वाले विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की विरोध की दिशा में होती है। मिल गया 4 नंबर। कितना आसान था, तो जब इतना आसान था तो बिल्कुल आप लोगों को इस 4 नंबर को तो बिल्कुल कहीं भी छोड़ना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, वंदना कक्षा 12वीं की छात्रा थी, बहुत अच्छी बात है, आप भी उसी क्लास में हैं। वह अपने सहपाठियों के साथ में विज्ञान केंद्र भ्रमण पर गई थी। यहाँ पर विज्ञान केंद्र जो है रायपुर में, अगर आप आएंगे तो विधानसभा के पास में है भैया। वहाँ उसने धागे से लटके हुए चुंबक को देखा, चलो बहुत अच्छी बात है। उसने पाया कि दोलन करते हुए चुंबक के नीचे धातु की प्लेट ले जाते ही वह दोलन करना बंद कर देती है, इसका कारण वह समझ नहीं पाई। सहपाठियों से चर्चा करने लगी और दोलन करते हुए धातु के प्लेट के नीचे चुंबक रखने पर दोलन रुकेगा या नहीं। दूसरे दिन सहपाठियों के साथ विज्ञान के शिक्षक के पास गई और घटना के कारणों को ध्यान पर पूर्वक सुनकर प्रसन्न हुई। पहला प्रश्न क्या है, दोलन कर रहे चुंबक के नीचे धातु की प्लेट ले जाने पर दोलन रुक जाता है क्यों। आप लोगों ने भंवर धाराओं के बारे में सुना है, आप लोगों ने
वो जो है ऊर्जा लेंज के जो है नियम के साथ में ऊर्जा के संरक्षण का नियम देखा है। तो अब क्या होता है कि चुंबक जो दोलन कर रहा होता है उसके नीचे जैसे ही हम कोई धातु की प्लेट रखते हैं तो धातु की प्लेट में भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं, और इन भंवर धाराओं के कारण जो है दोलन की जो ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर स्थितिज ऊर्जा है, वह धीरे धीरे ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है धातु को गर्म करने लगती है और धातु मतलब जो चुंबक है उसका दोलन रुक जाता है। धातु प्लेट में उत्पन्न धारा के दो गुण लिखिए, इस धारा को कैसे कम किया जा सकता है। धातु प्लेट में उत्पन्न जो धारा होती है उसका पहला गुण ये है कि उसको भंवर धाराएं कहते हैं, दूसरा गुण ये है कि यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रही होती है और धातु की प्लेट में विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर देती है। अब प्रश्न है इस धारा को कैसे कम किया जा सकता है। इस धारा को कम करने के लिए नीचे धातु में जो है जो नीचे प्लेट रखी हुई थी यदि वह पतली पतली पट्टियों से मिलकर बनी हो तो भंवर धाराएं कम की जा सकती हैं। वंदना और शिक्षक महोदय प्रत्येक द्वारा प्रदर्शित दो दो मूल्यों का उल्लेख कीजिए। वंदना का मूल्य क्या है, पहला वो क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब यह है कि अपने आसपास की चीज़ों को देखकर वह उत्सुक रहती है, पहला मूल्य पता चल गया। दूसरा मूल्य यह है कि वंदना जो है जिस चीज़ को नहीं जानती है उसको दूसरों से पूछने में कोई संकोच नहीं करती है। शिक्षक ने क्या किया, शिक्षक का जो है पहला जो है क्वालिटी है कि शिक्षक ने दूसरे दिन क्या किया, दूसरे दिन सहपाठियों के साथ विज्ञान शिक्षक के पास गई और घटना के धारों को, तो शिक्षक ने अपना कर्तव्य पालन किया और उसे सही कारणों की जानकारी दी। दूसरा, शिक्षक ने प्रयोग विधि का उपयोग करके चीज़ों को आसानी से समझाया। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न में भी चार में चार अंक मिल सकते हैं, प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो आप ध्यान रखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में हमको पूरा मलाई है खा लेना है, मतलब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ये चार नंबर का प्रश्न है और आपको मुफ्त में दिया गया है, गिफ्ट है, गिफ्ट मेरी तरफ से, गिफ्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से, तो आप चूकेंगे नहीं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ में, और तब तक के लिए धन्यवाद।